हेलो, हे गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग। तो आज हमारा जो इंटरव्यू और एक्सपीरियंस टॉक में है, यह है तीसरा वीडियो। और आज जो हम जिससे बात करने जा रहे हैं वो है इंद्रेश शर्मा। तो मैं आपको उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये तो जो कोडिंग्स क्रैक करने, कंपनी क्रैक करने में तो एक्सपर्ट है। तो हम आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ही स्टार्टेड फ्रॉम सेबर, देन जीलियस, देन पेटीएम, देन पेपाल, एंड करंटली ही इज़ इन माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई किस तरीके से क्या किए हैं इनके पास, किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। तो ये लिंक्डइन प्रोफाइल है गाइस। सो फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस फॉर माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड क्वेश्चंस वी विल आस्क, कि हम इनसे रीच आउट हो सकते नहीं हो सकते। सो लेट्स इनवाइट हिम। हे इंद्रेश, वेलकम टू कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग। हाय सर। आपका वीडियो अभी ऑफ है? हाँ, अभी मैंने वीडियो ऑन किया। आई थिंक वो टाइम ले रहा होगा अच्छा, रिजोल्यूशन की वजह से। ओके, तो आ गया। ए वेलकम थैंक एंड गुड टू सी यू यू अगेन। तो श्रेयन सर, गाइस, नाइस हाँ, मीटिंग यू। तो गाइस, तो आज अपना जो कॉन्सेप्ट है वही उस पे ही रहेंगे, जो अपने क्वेश्चंस होते हैं, जो काइंड ऑफ रोड मैप रहता है। तो विदाउट टाइम वेस्टेज आई विल स्टार्ट। तो इंद्रेश, हमारा यहाँ पे है कि कंप्लीट रोड मैप के क्वेश्चंस हैं कि अगर एक कैंडिडेट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या एक्सपेक्ट कर सकता है वो माइक्रोसॉफ्ट के लिए। लेकिन आपका एक्सपीरियंस काफ़ी सारी कंपनियों में है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के। सारी अच्छी कंपनीज हैं, पेटीएम, सेबर, माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन फिर आई विल स्टिक टू माइक्रोसॉफ्ट, लेटेस्ट वन ओनली। ओके तो पहला ओके क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू के लिए अपॉर्चुनिटीज कैंडिडेट को माइक्रोसॉफ्ट में चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे? आपको कहाँ से मिली, आपने किस तरीके से अपॉर्चुनिटी ली माइक्रोसॉफ्ट की, और आप क्या सजेस्ट करोगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर माइक्रोसॉफ्ट? क्या क्या सजेस्ट कर सकते हैं? तो हाँ, पहले तो मेरे ये था, जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट जॉब मतलब माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू दिया था, तो उससे पहले जो ऑलरेडी मेरे दो दो तीन फ्रेंड मेरे माइक्रोसॉफ्ट में ऑलरेडी है, जो कि इंटरव्यूज भी लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, मतलब कि अच्छा, मतलब वो इंटरव्यूज लेते हैं कैंडिडेट्स के। तो उनसे मैंने सजेशंस लिए थे कि कितने राउंड्स होते हैं, या मतलब किस किस राउंड में क्या क्या पूछा जाता है, और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा टफ तो नहीं पूछते हैं कि मतलब ग्राफ व्राफ या डीपी वीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और अगर मतलब जैसे मेरे पास ऑलरेडी 4 साल का 4.5 साल का एक्सपीरियंस था जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में आया था, तो उससे पहले मतलब हाई लेवल या लो लेवल डिजाइन कितना पूछते हैं, और हायरिंग मैनेजर में क्या पूछते हैं। हाँ, कुछ मैं प्रिपरेशन करके आया था कि हाँ माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने से पहले कि क्या क्या पूछ सकते हैं वो। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने लिए प्रिपेयर किया कुछ लीट कोड से, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो सब्सक्रिप्शन के द्वारा जो मतलब सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस मिलते हैं उनको मैं थोड़ा प्रिपेयर किया 1 month के लिए, 1.5 month के लिए। उसके बाद मैंने अपना इंटरव्यू देना, मतलब पहली मैंने 2 बार इंटरव्यू दिए थे सिलेक्शन होने से पहले। तो अच्छा, एक फर्स्ट टाइम तो मैंने दिया था स्टार्टिंग में जनवरी में, मतलब 2021 में मैंने स्टार्टिंग में लिया था। उस टाइम पे मैं रिजेक्ट हो गया था 4th राउंड से, मतलब अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड मेरा हो गया था, 4th राउंड से मेरा रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आई थिंक थर्ड भी मेरा ठीक नहीं गया था और फोर्थ भी मेरा नॉर्मल गया था, तो रिजेक्ट हो गया था फिर से, क्योंकि कूलिंग पीरियड कुछ है नहीं माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा। कूलिंग पीरियड, हाँ कूलिंग पीरियड सिर्फ उसी टीम के लिए है 6 month का। दूसरी टीम में अच्छा, आप इंटरव्यू दे सकते हो ओके ओके ऐसा, ओके, मतलब अभी किसी अगर आप और कंपनी की बात करो तो ओवरऑल सारी टीम के लिए वो कूलिंग पीरियड होता है कि मतलब आप अब 6 month के लिए कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते इस कंपनी में, जबकि माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक टीम से रिजेक्ट हो चुके तो आप दूसरी टीम के लिए इंटरव्यू दे सकते हो। तो मैंने फिर दूसरी टीम के लिए अप्लाई किया, तो उसमें फिर मेरा थोड़ा सा और थोड़ी सी 15-20 दिन मेहनत किया, तो उसके बाद थोड़ा सा इंटरव्यू दिया, हाँ उसके बाद हो गया। तो तो इंद्रेश, ये आपने लिंक्डइन से अपॉर्चुनिटी आई थी या किस तरीके से आई थी? ये मेरे एक तो लिंक्डइन से आई थी, और एक मेरा दोस्त था तो उसने मुझे रेफरल कांटेक्ट दिया किए थे कि मेरा भी इनके थ्रू ही हुआ है, चार मतलब इनका कॉल आया था मेरे पास, तो आप भी एक बार बात कर सकते हो। तो मैंने उनको मेल फॉरवर्ड किया कि अच्छा, मैं मतलब मेरा बैकग्राउंड मेरे रिज्यूमे सब कुछ फॉरवर्ड किया, तो उनका अगले दिन मेरे पास रिप्लाई आ गया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि आई नीड टू डिस्कस विद रिगार्डिंग जॉब ओके अपॉर्चुनिटी ओके, एट अच्छा माइक्रोसॉफ्ट। तो उसके बाद हमारी बात हुई, फिर उन्होंने मेरा 15-20 दिन बाद मैंने बोला कि 15-20 दिन का हाँ मुझे थोड़ा सा
और प्रिपरेशन करने का टाइम चाहिए, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया, उसके बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल करा दिया गॉट उन्होंने। इट गॉट इट गॉट इट। तो रेफरल प्लस पहला अपॉर्चुनिटी लिंक्डइन से भी आई थी, और अभी वाला रेफरल के थ्रू हाँ भी आया था। गॉट इट रेफरल रेफरल के थ्रू यार। गॉट इट। तो इंद्रेश, सेकंड जो क्वेश्चन ये है कि जो इंटरव्यू प्रिपरेशन टाइम लिया ना आपने, पहले 18 डेज, और फिर लीड कोड पे क्वेश्चंस किए, किस तरीके के ज़्यादा क्वेश्चन किए, मतलब किस तरीके के, कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स पे ज़्यादा फोकस किया? मेरा मेरा डिस्कशन जब जैसे मेरे फ्रेंड से हुआ था, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो पहला जो राउंड होता है वो होता है आपका बेसिक जो आपको वो मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, ड्राइव कभी कभी ड्राइव होती है, तो पहला तो वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए होता है कि मतलब आपका एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक दो कोडिंग क्वेश्चन देते हैं आपको, जो आपको लिंक देंगे तो उस पर आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि हैकर रैंक पे या हैकर अर्थ पे क्या होता है कि अगर आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व की, अगर उसमें कुछ टेस्ट केस पास हुए कुछ गलत हुए करेक्ट। तो है ना, तो उसमें अगर गलत हो गए तो आप फिर से रिट्राई कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि उनका कुछ वेटेज फिक्स होता है कि अगर आपने 60% से ऊपर स्कोर किया तब तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो, मतलब उसके बाद 4 राउंड और होते हैं, अच्छा, और अगर आप वो क्लियर नहीं कर पाए तो आप उस वहीं से बाहर हो। बाहर है फर्स्ट। तो उसमें क्या होता है, जो वो राउंड जो क्या नाम है टेस्ट लिंक होता है, तो उसमें अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आपको सबमिट करने के बाद ही पता चलेगा कि आपका कौन सा टेस्ट केस गलत था, कौन सा टेस्ट केस पास था, तो करेक्ट आप फिर से उसमें रेट नहीं कर सकते। तो करेक्ट। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपने जो एक बार में किया है, हाँ अगर कुछ कंपाइलेशन एरर हुई तब तो वो आपको सबमिट करने का परमिशन ही नहीं देगा, नहीं बट देगा। अगर कंपाइलेशन एरर नहीं है तो वो आपको सबमिट करने की परमिशन दे देगा। अच्छा। एक कुछ बेसिक टेस्ट केस होते हैं जिससे आप उसको आप वेरीफाई कर सकते हो, उससे मैनुअल वेरीफाई कर सकते हो, बट हाँ तो पहला पहला तो ये है कि पहला राउंड ये था। उसके बाद फिर स्टार्ट होते हैं कि नेक्स्ट 4 राउंड। तो माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है कि कैंडिडेट से अगर उसका पहला राउंड भी बहुत बेकार भी चला गया ना, तो कभी पहले राउंड से उसको नहीं निकालते, अच्छा, पहले के 2 राउंड होते ही होते हैं। होते ही होते हैं। हाँ मतलब ये मैंडेटरी होता है कि पहले के हमको 2 राउंड लेने ही लेने हैं, अच्छा अगर उसके पहले और दूसरे में दोनों में परफॉर्मेंस खराब है तो उसके बाद। अच्छा तो जो पहला राउंड था जो जिसमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेटेड आते हैं एरे स्ट्रिंग, अच्छा मतलब उस वो 1 घंटे का या 1.5 घंटे का टेस्ट होता है, 2 क्वेश्चंस होते हैं। तो एक तो बहुत इजी प्रॉब्लम होती है जो आप विद इन 20 मिनट्स में कर सकते हो, अच्छा एक थोड़ी टफ होती है, मैं ऐसा भी नहीं बोलता कि ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मतलब फिर भी थोड़ी सी लेंदी प्रॉब्लम्स हो सकती है, अच्छा जैसे डीपी की कुछ प्रॉब्लम हो गई, या मतलब एक और एक कुछ नई प्रॉब्लम्स होती है आपको, मतलब ऐसी प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, आपने गूगल पे सर्च किया और आपको करेक्ट मिल जाएगी, करेक्ट तो करेक्ट। ऐसा भी नहीं होगा। तो हाँ मतलब थोड़ा सा उसमें एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, बाकी एक प्रॉब्लम इजी होती है, एक प्रॉब्लम थोड़ी टफ होती ये है। फर्स्ट राउंड की बात है, ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर होने के बाद यस पहला राउंड। यस अच्छा ठीक है। यस या उसके बाद फिर हमारा फिर फेस टू फेस फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, जिसे मोस्टली एरे और स्ट्रिंग और एरे और स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछते हैं, मतलब इतने टफ नहीं पूछते, बहुत बेस बहुत बहुत डीप मतलब बहुत ही एल्गोरिथम से रिलेटेड होता है, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम से रिलेटेड होता है पहला 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 राउंड। तो उसमें आई थिंक मैं भी इंटरव्यू ले चुका हूँ माइक्रोसॉफ्ट में, क्योंकि हमारी टीम रेगुलरली हायर करती रहती है, तो मोस्टली मैं पहला राउंड ही लेता हूँ। तो पहले राउंड में ही हमको बोलते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कभी भी लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं पूछती, मतलब करेक्ट अगर आप बोलो कि मैं मेरे पास 5 साल का या 6 साल का एक्सपीरियंस है जावा में, तो आपसे वो जावा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पूछेगी नहीं, क्यों, क्योंकि जावा से रिलेटेड उनको काम ही नहीं कर पाना, उनको करेक्ट सी शार्प में काम सी करा रहा शार्प हूँ में क्योंकि काम उनकी करना अलग पड़ेगा। से। या हाँ तो मैं भी जावा से 5 साल काम मतलब 4 साल काम करके आया था, तो यहाँ पे आके मैं सी शार्प में काम करने लग गया। तो इसीलिए अच्छा वो लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ भी अगर आपकी कुछ भी लैंग्वेज हो उससे रिलेटेड, क्योंकि पता है उनको कि सी शार्प में इतना काम कोई करता है नहीं, मीन सब या तो नॉट जेएस पे करेक्ट या करेक्ट करेक्ट। जावा पे या मतलब पाइथन पे इस पे काम करके आता है, तो वो लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी पूछते हैं। तो पहले राउंड में नॉर्मल डाटा हाँ या तो जैसे उसके अकॉर्डिंग होता है कि जैसे पहली प्रॉब्लम उसने अगर उसने बता दी जल्दी खत्म कर दी और हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम उसके लिए अच्छे से, क्योंकि हमारे पास इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले 3-4 प्रॉब्लम्स लगते हैं, करेक्ट। अगर उसने ओके पहली ओके प्रॉब्लम में या अगर उसने इजी सी प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, क्योंकि 45 मिनट्स होता है हमारे पास, अगर अच्छा उसने पहली वाली प्रॉब्लम इजी वाली प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, तो फिर हम डीपी वीपी की प्रॉब्लम नहीं पूछ सकते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। टाइम नहीं तो है। मतलब
फिर या तो मतलब दोनों इजी प्रॉब्लम पूछती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको फीडबैक देना होता है, या एक प्रॉब्लम से बहुत जल्दी से बताती या बहुत शार्प है तो हम डीपी की प्रॉब्लम कुछ पूछ लेते हैं, मतलब लॉजिकली जो भी होता है और कोई इससे अगर एक रिलेटेड भी उसका। क्वेश्चन सॉल्व करे दैट आल्सो इट्स अ गुड कि हाँ भाई एक क्वेश्चन सॉल्व किया डजंट मीन कि अरे इसने हाँ एक ही किया है कि नहीं गुड ही नहीं नहीं है। नहीं श्रीरान सर क्या होता है कि जैसे उसने एक प्रॉब्लम, एक तो हम बहुत मतलब इतनी भी नॉर्मल नहीं, पर हाँ एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम पूछते हैं, हाँ अगर जी उसने वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो हाँ मतलब उसका बेसिक्स क्लियर है, बेसिक बट क्लियर। अगर वो सेकेंड से प्रॉब्लम जो एफर्ट्स लगा रहा है उस पर मैटर करता है, अगर उससे प्रॉब्लम नहीं भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो उससे एफर्ट एफर्ट्स, उसे थिंकिंग, ठीक है वो ठीक क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, तो उस पर डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको आगे भेजते हैं, उसको ठीक फीडबैक है देते हैं। ओके। तो ये था फर्स्ट राउंड ऑनलाइन असेसमेंट के बाद पहला फेस टू फेस राउंड। पहला फेस टू फेस राउंड। अच्छा अब सेकंड सेकंड जो राउंड होता है तो उसमें मैंने शैडो इंटरव्यू लेता हूँ। शैडो इंटरव्यू का मतलब कि जो एक्सपीरियंस बंदा जो इंटरव्यू लेता है तो साथ बैठता हूँ कि मतलब कैसे ओके इंटरव्यूज ओके लेते हैं गॉट सेकंड इट राउंड। गॉट इट। तो सेकंड राउंड में मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम्स पूछते हैं लो लेवल डिजाइन से रिलेटेड, ओके कि मतलब यस कोई को जो कोड पूछते हैं जो भी इम्प्लीमेंट करवाते हैं, मतलब कुछ भी एक डेटा स्ट्रक्चर हो गया है एल्गोरिथम वो इम्प्लीमेंट कराते हैं, तो उसका एक प्रॉपर क्लासेस बनाकर, जैसे आप बोलोगे कि मैंने जावा पे काम किया है तो आप जावा में इम्प्लीमेंट कीजिए, करेक्ट। आपने नॉट जेस में काम किया है तो नॉट जेस अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कीजिए उसको, आपने अगर पाइथन में काम किया तो पाइथन के अकॉर्डिंग, मतलब लैंग्वेज से स्पेसिफिक नहीं होता करेक्ट बट या तो बार उसमें डिजाइनिंग देखते हैं, लो लेवल लो डिजाइनिंग देखते लेवल हैं कि डिजाइनिंग उसका देखते किस, हैं। या कि मतलब जैसे आपको बोल दिया कि एक स्टैक दे रखा है, मतलब हमको दो स्टैक से क्यू बनाना है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम दे दी और उसमें एड ऑन करते रहते हैं चीजें, कि मतलब अगर अच्छा ये चीजें आ गई तो कैसे, तो उसको पूरी की मतलब क्या मेथड इनिशियलाइज किया है, क्या वेरिएबल्स लिए हैं, क्या लिया है, तो आई थिंक वो जो 45 मिनट्स होता है सेकंड सेकंड राउंड में, वो पूरे के पूरे उस डिजाइनिंग में चल जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें ऐड करते रहते हैं चीजों को, जो ऐड करते प्रॉब्लम्स रहते होती है ओके हाँ उसमें ऐड करते रहते हैं चीजों को, तो हाँ वो काफी टाइम ले लो लेता है। लेवल हम ओके नई प्रॉब्लम नहीं पूछते क्योंकि नई प्रॉब्लम में क्योंकि फिर पूरा डिजाइनिंग फिर से स्टार्ट करना करेक्ट पड़ेगा, करेक्ट तो करेक्ट उसी में ऐड ऑन ऐड करते रहते ऐड हैं, करते तो रहते गॉट इट ये गॉट इट। या तो ये था हमारा सेकंड राउंड लो लेवल डिजाइन। तो गाइज अगर आप चैनल देखोगे तो लो लेवल डिजाइन का हमने स्टार्टिंग से डिजाइन पैटर्न और सॉलिड प्रिंसिपल्स कवर किए हैं जो एक्चुअली चाहे कोई से भी अगर आपके डिज़ाइन पैटर्न्स अच्छे हैं या फिर सॉलिड प्रिंसिपल्स अच्छे हैं ना तो जितने भी लो लेवल डिज़ाइन के क्वेश्चन आते हैं ना वो सब उसी पे बेस्ड रहते हैं। तो जो भी इंद्रेश बता रहे हैं ना कि क्लासेस बनानी पड़ती हैं तो क्लासेस का रिलेशनशिप इज अ हैज़ अ रिलेशनशिप ये सब डिटरमाइन होता है सो अपने डिज़ाइन पैटर्न्स पे तो वो बेस अच्छा होना चाहिए। तो थैंक्स इंद्रेश। तो ये दूसरा राउंड भी समझ आ गया। व्हाट अबाउट थर्ड राउंड कि थर्ड राउंड में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्ड राउंड में अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपको अगर 3 या 4 साल का प्लस एक्सपीरियंस है, तब तो आपसे आगे डिजाइनिंग पूछेंगे, हाई लेवल हाई डिजाइन लेवल पूछेंगे, डिजाइन ओके वो ओके मैटर करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। आपको अच्छा अगर 4 प्लस एक्सपीरियंस है तो आपको डिजाइनिंग जो हाई लेवल डिजाइन पूछेंगे वो नॉर्मल वाला पूछेंगे, मतलब जो बंदा कर सकता है, करेक्ट बाकी करेक्ट किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 10 प्लस है तो उसके अकॉर्डिंग पूछेंगे, अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग जो फ्रेशर होते हैं, जो मतलब जो उनसे फ्रेशर होते हैं तो उनसे सिर्फ नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम से पूछते हैं, मतलब करेक्ट उनसे। करेक्ट हाँ करेक्ट तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ क्योंकि मैंने शेडो इंटरव्यू तो लिया नहीं है थर्ड राउंड का, तो मुझे इतना पता भी नहीं है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मेरे से हाई लेवल डिजाइन की प्रॉब्लम पूछी थी, तो अच्छा पूछी थी वो कुछ भी प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, कि जैसे मुझसे पूछा था कि आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करना है, तो ओके वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करो, तो करेक्ट मतलब करेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ एक स्पेसिफिक चीज दे देते हैं कि आपको ये एप्लीकेशन कैसे लोड करानी है, तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट पूछते हैं, कुछ मतलब डिजाइन से रिलेटेड गॉट पार्ट इट पूछते हैं गॉट कि इट मतलब ये कैसे डिजाइन करोगे, क्या कुछ और इसमें हाँ क्या करेक्ट डेटा कैसे 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 करोगे डेटा को, मतलब ये गॉट सारी इट। चीजें वो पूछते हैं। और क्लैरिफाई करना पड़ेगा क्योंकि अगर उन्होंने सीधा बोल भी दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ तो अपन को डायरेक्ट लग नहीं जाना पहले उनसे क्लैरिफाई नहीं करना है स्कोप को या छोटा करना कि क्योंकि कितना स्कोप करना है। ऑपरेटिंग करेक्ट सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बड़ा पार्ट तो है, वो उसको तो डिजाइन नहीं उन्होंने कर एक सकते। स्पेसिफिक ठीक या ऑपरेटिंग सिस्टम का अंदर एक स्पेसिफिक पार्ट पूछा था उन्होंने, कि जैसे
ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर की वीडियो स्ट्रीमिंग कैसे होती है। हाँ अच्छा तो ये कुछ चीजें उन्होंने पूछी थी। तो इनका कुछ लॉजिक पूछ रहे थे कि अगर वीडियो स्ट्रीमिंग में कुछ डेटा जो है वो रिपीटिव हो रहा है तो आप क्या मेथड यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, क्या यूज करोगे, या रैम में मतलब इन मेमोरी रखोगे डेटा। तो ये कुछ कुछ चीजें पूछी थी उन्होंने। एक्चुअली तो अगर हाँ देखा जाए ना तो ये हाई लेवल डिजाइन का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली हाई लेवल हाँ डिजाइन सुनते हैं ना तो अपन क्या सुनते हैं कि डिजाइन फेसबुक फीड, डिजाइन ट्विटर फीड, यस डिजाइन यस टिकटॉक, यस डिजाइन ये, तो यस उसमें पता है कि आगे लोड बैलेंसर लेना है, फिर माइक्रो सर्विस लेनी है, यस फिर यस डीबी यस बनाना यस है, फिर क्यू लेना है, फिर डीबी के अंदर मतलब जो बेसिक्स हैं, शार्डिंग करनी यस है, इस तरीके यस के। यस लेकिन अगर एकदम से बंदा ये प्रैक्टिस करके गया सब और एकदम से यस पूछ दे ऑपरेटिंग सिस्टम तो डिजाइन करो, तो मैं बता रहा धरती, मैं आपको अपना जमीन अपना हिल जाएगी एक्सपीरियंस बताता हूँ। बिल्कुल पांव से। या तो मैंने मैंने ये सारी प्रिपेयर की, अगर मतलब आप लीड कोड पे या किसी भी से देखोगे तो ये सारी की सारी दे रखे हैं, मतलब फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम, करेक्ट। क्या नाम है, सब चीजें आपको मिलेगी, मतलब टीनी टीनी लिंक करके जो भी है, सारे सारे आपको हाई लेवल डिजाइन हाँ के या लो यस मतलब ये मिलेंगे। जब उन्होंने मुझसे पूछा ना ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो थोड़ी देर के लिए तो मैं भी ब्लैंक हो गया था कि मतलब हाँ वही तो क्या है ये। तो वो चीज थोड़ा सा फिर मैंने प्रैक्टिस क्लैरिफाई की कि मतलब करेक्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या इम्प्लीमेंट करना है ये, तो उन्होंने गॉट बताया। तो उन्होंने इट। बोला भी कि डोंट थिंक टू मच, हाँ मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट यू टू मीन्स इम्प्लीमेंट ऑल द करेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज इट्स अ बिग थिंग, बिग थिंग बट थिंक करेक्ट इन स्पेसिफिक वे। करेक्ट। उसके वॉट अंदर पर्टिकुलर स्पेसिफिक अगर जैसे बोला वीडियो स्ट्रीमिंग का, यस तो हमें वो फिर वीडियो यस स्ट्रीमिंग का डिज़ाइन सोचना पड़ेगा कि डाटा आ रहा है तो, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है प्रोसेसर्स होते हैं, तो वो किस तरीके से डाटा यस यस लेंगे, यस कितने थ्रेड्स बनेंगे, तो हाई लेवल थोड़ा बताना यस पड़ेगा कैसे क्यू में वो यस डाल रहा है, सिक्वेंसिंग कैसी होगी, क्योंकि यस वीडियो के आ रहे हैं तो छोटे छोटे सेगमेंट बन के आएंगे। अगर 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 एक हमारे पास मतलब जैसे उन्होंने ये भी पूछा था कि जो डेटा पड़ा हुआ है वो हमारे क्या नाम है, इसमें पड़ा हुआ है, डिस्क में पड़ा हुआ है या हाँ हमारे करेक्ट। पास स्टोर है, अगर हमारे से वर्चुअली किसी और ने कनेक्ट कर रखा है और वो भी उससे रीड कर रहे हैं, तो वो मतलब फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, कैसे तो वो इन सारी करोगे, चीजें। डिस्ट्रीब्यूटिंग हाँ क्योंकि मैकेनिज्म आ गए कि यहाँ हाँ करेक्ट हाँ करेक्ट। तो मतलब ये उन्होंने हमारा 1 घंटे मतलब 1 घंटे के आसपास राउंड चला था। वॉट तो इट। हाँ थोड़ा सा डिस्क्राइब करना, मतलब थोड़ा सा हाथ पैर आपको मारने पड़ेंगे मारने क्योंकि पड़े वो तो चीजें मेरे पता लिए एकदम बिल्कुल न्यू नहीं हो गई थी, मतलब मैंने करेक्ट। जो पढ़ा था ना वो मेरे लिए कुछ भी काम नहीं आया। तो अच्छा अच्छा कभी यार कभी कुछ कुछ ऐसे चीजें हो जाती है, पर हाँ नॉर्मली ऐसा नहीं होता, पर कभी कभी आपके साथ ऐसा करेक्ट हो हो सकता सकता है है। कि करेक्ट। थैंक्स इंद्रिश हाँ फॉर दिस मच इन्फॉर्मेशन। तो इंद्रिश ये सब होने के बाद मतलब आपने एटलीस्ट पूरा बता दिया कि कितने राउंड हैं। टेक पहले ऑनलाइन असेसमेंट राउंड 1, डाटा स्ट्रक्चर, सेकंड एलएलडी, थर्ड एचएलडी, फोर्थ लास्ट फोर्थ इसके फोर्थ पास जो राउंड है। होता है हायरिंग मैनेजर राउंड। तो अच्छा हायरिंग मैनेजर राउंड डिपेंड करता है कि आपका कौन सा मैनेजर राउंड ले रहा है। ओके अगर आपका जो नॉन टेक मैनेजर आपका अगर राउंड ले रहा है, तो आपसे वो बेसिक्स क्वेश्चंस पूछेगा कि अच्छा हाउ मिस क्वेश्चंस पूछेगा कि आप कैसे फिट हो सकते हो हमारी टीम में, या मतलब करेक्ट। नॉर्मल बेसिक कुछ बिहेवियरल अगर राउंड पूछेगा, कुछ पूछेगा तो डिजाइनिंग से रिलेटेड पूछेगा जो मतलब इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ टेक, बट ओके या मतलब कुछ कुछ ऐसा पूछ लिया जो कि जैसे कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड पूछ चीजें पूछ ली कि ये प्रोडक्ट कैसे, जो उसको नॉलेज होगी प्रोडक्ट की करेक्ट तो करेक्ट। उस रिलेटेड पूछ चीजें पूछ ली। बाकी जो मेरा जो इंटरव्यू जो इन्होंने लिया था वो टेक मैनेजर थे, तो अच्छा टैक मैनेजर थे। हाँ हाँ टेक मैनेजर थे, तो उन्होंने मेरे से मतलब मेरे को भी लगा कि शायद नॉर्मल से प्रॉब्लम्स होगी, पर वो मेरा अगर आप देखा जाओ तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का राउंड था वो मेरा। अच्छा वो भी लास्ट में डिपेंड करता हाँ है कि तो क्या लास्ट आता या है। हाँ ओके तो ओके लास्ट राउंड में मेरा मतलब HLD प्लस सॉरी LLD प्लस कोडिंग डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का बिल्कुल था। ओके ओके। तो तैयार रहना पड़ सकता है कि भाई मैनेजर है तो मतलब हाँ कुछ नहीं हो। हाँ करेक्ट 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 तो करेक्ट। उन्होंने वो इम्प्लीमेंट कराया था कि WhatsApp में जब आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हो तो ऑटो सेलेक्ट होके जो ऊपर सजेशन आ जाते हैं कि ओके ओके। ये वाला, तो उन्होंने पूरा इम्प्लीमेंट करवाया था। अच्छा इट डिपेंड अब क्या हाँ यूज करते हो, ट्राई यूज करते हो क्या हाँ को ट्राई यूज करता, तो उन्होंने पूरा या ट्राई इम्प्लीमेंट करवाया था बेसिक से, मतलब हाँ क्लास ली थी उसका ट्राई बनाया था, हाँ तो सब कुछ उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया था। तो हाँ वो थोड़ा सा 1.5 घंटे का राउंड था, दे क्योंकि ओहो वो जैसे उन्होंने प्रॉब्लम दी थी कि
हाँ आपने अप्रोच बता दी कैसे कैसे सॉल्व करोगे, हाँ इसको करो रन करो इसको, तो दोनों स्पेसिफिक मतलब मैंने कभी नहीं, मैंने पिछली कंपनी में मैंने हायरिंग मैनेजर में राउंड किए, मेरे कभी इतना लंबा राउंड नहीं हुआ, मतलब हायरिंग मैनेजर मोस्टली 30 मिनट्स 40 मिनट्स हार्डली, इससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ, बट वो मेरा राउंड था वो 90 मिनट्स का, अब फिक्स 90 मिनट्स चला था मेरा वो राउंड। तो उन्होंने ये था कि मतलब उन्होंने अप्रोच बताई, उन्होंने उसके बाद बोला कि आप स्टार्ट करो, वो अपना काम करते रहे थोड़ा सा, ऊपर देखते रहते स्क्रीन की तरफ, पर कंप्लीट हुआ तब थोड़ा टेस्ट केस दिए, वो रन हुए, कुछ फेल भी हुए थे, उन्होंने सजेशंस दिए, ऐसे नहीं उन्होंने बिल्कुल, उन्होंने सजेशंस दिए, इंप्रूवमेंट किए, फिर फाइनली वो चल गए सारे के सारे टेस्ट के साथ। उन्होंने उसके बाद उन्होंने टेस्ट केस लिखने के लिए दिए कि आप खुद से टेस्ट केस लिखो, जब वो हो गया कि कौन कौन सा टेस्ट केस बन सकते हैं, तो काफी तो गाइस यहाँ पे देखोगे ना, तो जैसा इंद्रेश बता रहा है ना, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू इतना आसान नहीं है कि अपन बेसिक एरेज स्ट्रिंग कर लिया, तो मतलब थोड़ी डाइवर्सिटी चाहिए कि सारी चीज़ के बेसिक पता होने चाहिए, कुछ भी पुलर ट्राई ट्रीज पे अच्छा चाहिए, तो एटलीस्ट बेस सारा चाहिए, राइट? डाटा स्ट्रक्चर से एल्गोरिथम में डीपी ये सब बेसिक कर सकते हैं, लेकिन पता सारा होना चाहिए, राइट? यस यस ओके, मतलब यही है कि मतलब वो कुछ भी पूछ लेते हैं, पूछ लेते तो हैं। मतलब हाँ ग्राफ मैं इतना बोलना चाहूंगा फ्रेशर से या मतलब ग्राफ पे इतना कंसंट्रेट नहीं करते, अच्छा, पर कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ नहीं पता, कुछ भी पूछ सकते हैं, बेस तो सारा पता होना चाहिए, लेकिन मोस्ट प्रैक्टिस जो है हैंड्स ऑन तो टॉप पे रखो, ट्रीज लिंक लिस्ट एरेज स्ट्रिंग के क्वेश्चन, लेकिन ग्राफ के और जो डीपीपी हो गई एटलीस्ट ये भी आनी चाहिए कि क्या किस तरीके से काम करते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, हायरिंग मैनेजर ने ट्राइज पूछ लिया मतलब कितना कुछ आता होगा, मतलब ही इज एबल टू गिव द इनपुट आल्सो, ओके। तो इंद्रेश ये तो हमने ना सारा कवर कर दिया कि इंटरव्यू किस तरीके से लें, प्रिपरेशन कैसे करें, एक्सपीरियंस क्या है, और इसके बाद मतलब अब इंटरव्यू हो गया है और इसके बाद इंटरव्यू की कैंडिडेट क्या है, इसके पास बहुत सारे ऑफर होते हैं आजकल, जब अगर कोई देखना चालू करता ना, ही विल ऑल्सो अप्लाई फॉर माइक्रोसॉफ्ट, आई विल ऑल्सो अप्लाई फॉर सम अदर कंपनी, ठीक है, और आजकल सबके पैकेज इतने अच्छे होते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट पैकेज के अलावा मतलब कॉम्पिटिटिव कैसे है? मतलब अगर मान के चलो मेरे पास एक फॉर एग्जांपल पेपाल है और माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट किस तरीके से डिफरेंट है पेपाल में, व्हाई कैंडिडेट शुड ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट, कि क्या एक्स्ट्रा दे रहा है, सीखने को क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा? हाँ मैं बताता हूँ आपको कि माइक्रोसॉफ्ट में जैसे मैं अभी अजियोर में हूँ, मतलब मेरी जो टीम है वो अजियोर पे काम करती है, अजियोर से लेकर टेक्नोलॉजी पे काम करती है, तो मतलब हम कुछ भी जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो मीन्स हम बाहर की कुछ भी यूज नहीं करते, मतलब जो भी काफ्का इलास्टिक सर जो भी है वो कुछ भी नहीं है, सब माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ है ऑलरेडी, वो उनका खुद का उनका खुद का डिप्लॉयमेंट सब कुछ उनका खुद का है। तो पहली अगर मैं पैकेज की बात करूँ तो हाँ मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो बेस अमाउंट होता है या जो फिक्स होता है पिछली मतलब और जो कंपनी जो स्टार्टअप है उनसे कम हो सकता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का फिक्स या माइक्रोसॉफ्ट का जो SD1 के लिए SD2 के लिए एक फिक्स अमाउंट होता है कि इसके इसके बीच इतने के बीच में होता होना correct, चाहिए SD2 के लिए इतने के बीच में, क्योंकि स्टार्टअप का कुछ नहीं फिक्स होता कि वो जितना प्रीवियस ऑफर था उससे 50% या 100% ऑफर भी हाइक दे देते हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा नहीं है, अगर आप SD2 पे गए हो तो आपको 25 से शायद 32 के बीच में ऐसा कुछ मिलेगा फिक्स फिक्स नहीं, बट हाँ माइक्रोसॉफ्ट के जो स्टॉक्स होते हैं वो काफी बेनिफिशियल होते हैं, वो SD1 या SD2 के लिए नहीं होता, वो आपका ऑफर्स एक्सेप्ट करने के लिए होता है, उनको स्टॉक्स काफी अच्छे देते हैं, करेक्ट, मतलब करेक्ट, अगर आप या तो अगर आप देखा जाए तो आप माइक्रोसॉफ्ट जो स्टॉक्स होते हैं वो 4 साल के लिए देते हैं, मतलब अगर आपको जैसे आपको देती है करेक्ट मतलब कितना दे दिया उसको 4 साल में 25% हर साल डिवाइड हो जाएगा, 100 दे दिए तो 25 25 25 25 मिल जाएगा, जैसे आपको 28 लाख के दे दिए स्टॉक्स तो 28 के आपको आप 7 के डिवाइड में करके आपको हर साल मिल जाएंगे, अगर आप निकाल भी सकते हो आप नहीं भी निकाल सकते, सेम विद द पेपाल, अगर पेपाल में आपको पेपाल में 3 साल का होता है कि जितने भी शेयर्स दिए वो 3 साल में डिवाइड हो जाते हैं, हर कंपनी में इस तरीके से ही होता है जाता है। यस यस, और अगर वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल जो हमारा अमाउंट होता है वो वेरिएबल होता है आपकी सैलरी का 20%, करेक्ट, ओके, गॉट इट, तो सैलरी का जैसे आपका सैलरी अगर आपकी
20 LPA है, तो आपका उसका 20% हो गया फॉर लेट फॉर एलपी आई थिंक, फॉर एलपी, ओके गॉट या फॉर एलपी हो गया, तो वो आपका फिक्स होगा, सॉरी वो आपका वेरिएबल होगा। तो आपको जो आपका जैसे अभी हमारा जो इंक्रीमेंट होता है वो आई थिंक मैक्सिमम 20% होता है, मतलब हाइक जो होता है 20% तक होता है, बट अगर जैसे किसी का 15% हुआ हाइक, 15% हुआ, तो वेरिएबल भी उसको उतना ही मिलता है। करेक्ट करेक्ट, अगर आपका अगर हाइक आपका मतलब आपका प्रमोशन होता है, प्रमोशन अलग है, प्रमोशन में हाइक रिलेटेड नहीं है, वो अलग ही वो अलग उसका, ही है, मतलब बट वो आपका बैंड बदल हाँ जाता है, तो आपके बैंड के हिसाब से चेंजेस होते हैं। यस गॉट यस, गॉट इट। बट जो 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 मतलब इंक्रीमेंट होता है वो इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही वेरिएबल मिलता है वेरिएबल मिलता है, गॉट इट। कि आपका, तो हाँ एक तरीके से मैं तो आप जब बता, वेरिएबल्स हैं, स्टॉक्स बेनिफिट्स हैं, और इसका बेस अच्छा रहता है माइक्रोसॉफ्ट का, तो विच इज बाकी ऑलरेडी कॉम्पिटेटिव। बाकी आपको काफी गिफ्ट्स मिलेंगे टाइम टू टाइम, या करेक्ट, वर्क फ्रॉम हेल्थ होम के की लिए वजह बहुत। से, वर्क फ्रॉम होम की वजह से पेपाल से गिफ्ट मिले तो इतना टाइम हो गया है। और जब ऑफिस में काम करते थे ना गाइस, ऑफिस में क्या होता है कि आप पेंट्री चले गए, कुछ खा पी लिया, फिर उसके बाद कभी टी शर्ट मिल रही है, कभी वो स्पीकर्स मिल गए, ठीक है, कभी बैग मिल गए, ठीक है, तो जाते जाते कभी कुछ है, स्पीकर्स मिल रहे हैं, कभी मैनेजर आके स्पीकर दे गए, कभी बैग दे गए, कभी पिज्ज़ा आ गया, काम कर रहे हैं, मैनेजर कभी पिज्ज़ा ले आता था कि जरा फ्राइडे है, लो पिज्ज़ा खा लो सब उस पे। तो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट में खाने का फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब अच्छा, अरे 200 200 रुपीज रोज क्रेडिट करते हैं, अरे वाह, तो उसमें खुद की पेंट्री है जिसमें खाना है, मतलब काफी अच्छा मैंने खाया था एक बार, अभी गया था मैं नोएडा, क्योंकि मैं नोएडा लोकेशन चूज किया है, अच्छा हाइब्रिड लोकेशन है माइक्रोसॉफ्ट में, अच्छा तब अच्छा कोई सी भी लोकेशन पे चूज कर सकते हो, ओके नोएडा ओके नोएडा या हैदराबाद या बेंगलोर, तीनों में से कोई सी भी लोकेशन चूज करते हो जो आपके पास में। जो भी पास में, तो मैं अच्छा गया था नोएडा, गया था तो 100 रुपीज की लंच होता है वहाँ अच्छा पे, इतना सारा खाना था लंच, मतलब 100 रुपीज का, कि नॉन वेज वालों का अलग, वेज वालों का अलग, जूस फ्रूट्स, आप अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स जैसे मैं तो पीता नहीं हूँ, तो पर जो पीते हैं कोल्ड ड्रिंक तो अनलिमिटेड उनके कोल्ड लिए तो ड्रिंक, अनलिमिटेड अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक्स। उसके बाद हाँ, क्योंकि तो हर दिन के 200 पॉइंट्स होते हैं और 200 रुपीज उसी दिन एक्सपायर हो जाते हैं, अच्छा उसी दिन तो एक्सपायर, गॉट इट गॉट इट, हाँ, तो क्योंकि वो आपको खर्च करने ही पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे, तो मतलब खाओ। तो यस, तो उसमें फिर क्या नाम है, स्नैक्स के लिए फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट सैलेड होता है जो कि 40 रुपीज का होता है, काफी काफी बड़ा होता है वो अच्छा, फ्रूट अरे सैलेड, वाह, सब तरह के फ्रूट्स होते हैं 40 रुपीज का, तो वो चीजें हैं काफी, मतलब वर्थ इट है, मतलब खाने वर्थ के इट, मामले करेक्ट में, करेक्ट, आपको खाना लाने की जरूरत नहीं है ऑफिस खाना में, लाने, मतलब हाँ ओके। तो इंद्रेश, इसमें अभी कैसा, अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम है तो अभी आपको ऑफिस जाना पड़ रहा है या फिर अभी घर से ही काम कर सकते अभी हैं? अभी उन्होंने मैंडेटरी कर दिया अप्रैल के बाद, आई थिंक मार्च के बाद, 8 मार्च के बाद उन्होंने बोल दिया कि ऑफिस आना आना पड़ेगा, है, बट अभी मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मैनेजर से बात करके करेक्ट चुक करेक्ट, सकते हो, बट हाँ हाइब्रिड यस, द सेम, मैं ओके, मूव होना पड़ेगा, मतलब मूव होना पड़ेगा, आप आई करेक्ट, थिंक जुलाई जुलाई में क्योंकि मैं पेपाल मूव, भी अब खुल रहे हैं धीरे धीरे अब, लेकिन डिपेंड कर दिया मैनेजर के ऊपर कि अब मैनेजर को बुलाना है तो आप हाइब्रिड पे आओ, कि 2 दिन ऑफिस, 3 दिन वर्क फ्रॉम होम, या फिर यस कुछ आपको अभी वर्चुअली करना है तो परमिशन लो अपने हैं, तो लेकिन यस धीरे धीरे बुला रहे हैं, एज कंडीशंस आर गोइंग हाँ, नॉर्मल, हर तो कंपनी में हमारे भी यही यही है है। कि आपको वीक में, सिर्फ वीक में आपको 3 दिन आना आना ही होगा, मतलब अच्छा 2 दिन आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते कर हो पर सकते, 3 दिन आना ही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके यार। हाँ और पेपाल, और स्पेसिफिकली कि आप भी पेपाल में थे और अभी मैं भी पेपाल में, तो पेपाल से माइक्रोसॉफ्ट में स्विच होके का क्या डिफरेंस लगा, मतलब कि अगर बोले कि यार ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस इतना है, मज़ा आया। इतना इतना मैं पेपल में रुका नहीं, क्योंकि हार्डली मैं तो, क्योंकि ना जो माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरव्यू प्रोसेस है ना, अगर माइक्रोसॉफ्ट में आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप मान के चलो कि जब से आपने इंटरव्यू देना मतलब जब से आपकी एचआर से बात की है और सिलेक्शन तक आपका पूरा प्रोसेस जो है 3 4 महीने का प्रोसेस है, अच्छा 3 महीने 3 महीने का प्रोसेस है, अगर आपके पास एचआर का कॉल आया है ना उसके बाद, क्योंकि उनकी जो बैकग्राउंड चेक है वही उनका मेन 20 डेज, तो मान ही लो अच्छा बैकग्राउंड चेक का, अच्छा 20 डेज का बैकग्राउंड चेक मान के चलो, क्योंकि वो लेता है टाइम उनका बैकग्राउंड चेक, तो और उनका जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो 1 महीने, मेरे से मेरा जो इंटरव्यू होता है चार, मतलब मेरे 5 जो इंटरव्यू होते हैं उसको 1 महीने के समथिंग हो गया था, 1 मंथ, अच्छा, तो वो थोड़ा हाँ, अगर
कुछ कुछ हायरिंग इवेंट है तब बात अलग है कि उस एक ही दिन जल्दी में सब कुछ रखें। ले लिया। करेक्ट करेक्ट। बट मेरा जो हुआ था वो मतलब टीम स्पेसिफिक था, तो उन्होंने जब उनका टाइम मिलता था तब लेते थे, मतलब अच्छा जब अच्छा शेड्यूल जब, करते थे, तो और ये ऐसा सारे था। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जो रिजल्ट बताते हैं कि हाँ आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, ये कितने टाइम विदिन कितने टाइम वेट कर एक्सपेक्ट करें इस कैंडिडेट वेट करें, और अगर जैसे जैसे अगर आपका इंटरव्यू चालू खत्म हो गए तो उसके बाद आई थिंक आपको 10 दिन 10 दिन 15 दिन में बता दें अच्छा वो। वेट कर लें, एटलीस्ट हाँ 1 वीक तो वेट करें, उसके बाद एचआर को मेल करके पूछ ले सकते हैं कि क्या हुआ। ठीक है हाँ आई थिंक अगर अगर उनका 10 15 दिन में नहीं आया तो पूछ सकते हो कि आई थिंक उनका अच्छा बोलते नहीं है, बट उनका आगे से फोन आ जाता है अगर आ होता जाता है है। ना पॉजिटिव हाँ रेस्पॉन्स तो उनका आ करेक्ट जाता है। गाइस। ओके ओके। तो यार इंद्रिश एक्चुअली यहाँ पे सारा कुछ पता चल गया, रोड मैप की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या क्या हो सकता है, बेनिफिट्स क्या क्या है खाने पीने का माइक्रोसॉफ्ट में, सारी टेक स्टैक का, और क्या है एटलीस्ट अगर जो भी माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू दे रहा है तो एटलीस्ट उसको बहुत हेल्प मिल सकती है इस वीडियो से, अगर वो क्या रिसेंटली वो इनका इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है तो, और प्रिपरेशन भी कर रहा है तो अगर इंद्रेश किसी और को रेफरेंस चाहिए तो मैंने स्टार्टिंग में ना आपका लिंक्डइन प्रोफाइल दिखाया था, राइट? हाँ तो वो मुझे इसमें रिज्यूमे करेक्ट, फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर कभी कोई रेफरेंस माइक्रोसॉफ्ट की जॉब है और रेफरेंस चाहिए हो तो वो क्या आपको अभी मैसेज कर सकते हैं? अभी या अभी फिलहाल नोएडा हमारी टीम हमारी मतलब टीम तो नहीं बोलूंगा कि हमारी जो कॉर्प है उसके दूसरी टीम में हायरिंग चल रही है, तो अच्छा आई थिंक वहाँ पे अभी अप्रोक्सीमेट 30 to 40 हायरिंग्स है, मतलब 30 to 40 पीपल्स के लिए हायरिंग है, तो अभी काफी अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी को अप्लाई करना है तो आप मुझे रिज्यूमे भेज सकते हैं। मैं अभी करंटली गॉट इट। अभी आई थिंक ये 1 महीने पुरानी बात है तो पता नहीं अभी तक कितने हायर हो चुके करेक्ट होंगे, करेक्ट। बट हाँ अभी करंटली हायरिंग चल भी रही है तो रिज्यूमे फॉरवर्ड कर सकते हो तो ओके मैं रेफर कर दूंगा। ओके थैंक यू। तो इंद्रेश पूरा मेरे पास क्वेश्चन खत्म है, अगर कोई सजेशन टिप देना चाहते हो कैंडिडेट्स को दैट्स ऑन यू, और मेरी तरफ से सारा रोड यही मैप। यही है कि मतलब प्रिपरेशन जब आप कभी भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वेल प्रिपेयर दीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए, मतलब कॉन्फिडेंट रहते ऐसा नहीं है कि या मतलब कि थोड़ा सा जैसे होता ना प्रेशर कि यार मेरी ये करेक्ट। कंपनी मेरा ज्यादा मतलब मुझे निकलना है इस कंपनी से और मुझे हाँ दूसरी कंपनी में, तो एक प्रेशर लेके जाता है मतलब, करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट वो करेक्ट। चीज उस चीज में मैंने देखा है, मेरे कुछ साथ भी हुआ ही, जब मैं पहली बार माइक्रोसॉफ्ट से बाहर हुआ था तो इसी वजह से हुआ था। मैं खुद पेपाल से एक बार बाहर हो चुका हाँ था, मुझे पता है कि मैं जोहो में था उस टाइम पे, और मैं पेपाल का इंटरव्यू पहला जो इंटरव्यू दिया था ना वो मैंने प्रेशर में दिया था कि मुझे ये क्लियर करना है, और वो राउंड हाँ इतना बिगड़ा था मेरा कि आई डिडेंट एक्सपेक्ट कि वो पेपर वाले मुझे कभी कॉल भी करेंगे, लेकिन फिर कॉल आ अरे गया कि टाइम बाद कूलिंग पीरियड 3 4 महीने बाद या 6 महीने बाद जब भी आया उस टाइम पे, फिर मैं बिल्कुल चिल था, मैंने कहा बिल्कुल चिल, हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बस मैंने अपनी प्रिपेयर किया था और इट्स क्लियर। तो ये मैटर करता है कि जब चिल माइंड होता है ना तब कुछ ना कुछ नया हो जाता है, और जब टेंशन की चाहिए ना ये चीज़ और तब कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है वो फिर। तो है, ये चीज है। बाकी मतलब कॉन्फिडेंट उसी से आता है जब आप चिल रहते हो थोड़ा चिल सा। रहा था। करेक्ट करेक्ट। हाँ ओके इंद्रेश, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक्स अ लॉट फॉर थैंक ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था, एटलीस्ट मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली कि अगर माइक्रोसॉफ्ट में जाता हूँ तो मुझे क्या एक्सपेक्ट करने को मिल सकता है, इंटरव्यू में प्रिपरेशन कैसी यस रखनी है, और अभी जो देखोगे ना आप हमारा चैनल तो डेली ऑल्टरनेट मतलब दो चीज़ों में कवर करता हूँ मोस्टली, कोडिंग और LLD इनिशियल के लिए, और जैसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो जैसे अब इंटरव्यू एक्सपीरियंस में पता माइक्रोसॉफ्ट का, तो जनरली कोडिंग डेली उठाते हैं, तो जनरली जैसे गूगल के स्पेसिफिक लीड कोड, जैसे बोला कि लीड कोड का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें आप इस कंपनी वाइज क्वेश्चन देख सकते हो कि कौन सी कंपनी में क्या क्वेश्चन है, यस तो अब यस पता है कि माइक्रोसॉफ्ट में और ट्रीज के क्वेश्चन ज़्यादा करो तो ये बेटर है। आई थिंक अगर आप सब्सक्रिप्शन ले भी नहीं पा रहे तो मेरे पास हर कंपनी के स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर आप मेरे को लिंक्डइन पे रीच आउट करोगे तो मैं आपको PDF फॉरवर्ड कर दूंगा जिस कंपनी के लिए आपको इंटरव्यू देना है, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो करेक्ट करेक्ट। वो PDF है मेरे पास जिसमें सारे लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है कि किस कंपनी में कौन कौन सी प्रॉब्लम मोस्टली पूछी जाती है, तो सबसे तो वो मैं आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ, मेरे श्योर पास वो श्योर ऑलरेडी है क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे फॉरवर्ड की थी, तो आई श्योर। थिंक मुझे सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत पड़ी नहीं उसके अच्छा बाद। ओके ओके थैंक हाँ यू, वो बहुत यस हेल्पफुल होगा। तो गाइज इफ यू नीड इट लाइक
जस्ट मैसेज इंद्रेश, सारे क्वेश्चन की लिस्ट हो जाएगी। और ठीक है इंद्रेश, तो कोशिश कर रहे हैं, हम भी एलएलडी कर रहे हैं, डेली क्वेश्चन करते हैं डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का, और होप कि हम भी एक दिन माइक्रोसॉफ्ट में आएंगे। जरूर सर, इतना इतना टफ भी नहीं है, आप तैयारी कीजिए, हो जाएगा। ओके इंद्रेश, थैंक्स अ लॉट, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू सर, इंद्रेश, चांस सर, बाय, नाइस मीटिंग यू, या सेम हियर, बाय। बाय।